Welcome to my channel, Student Skills. आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन के बारे में। तो पहले हम एक पिक्चर ले लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे नाउन क्या है। तो स्टूडेंट्स, जस्ट व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज अ गर्ल। द पिक्चर तुम देख रही हो कि एक लड़की का पिक्चर है। तो अब एक लड़की है, जैसे तुम स्टूडेंट्स हो एक क्लास में, वो लड़का भी रहता है, लड़की भी रहती है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर। एंड उसका एक नाम भी रहता है, जिसका मेरा नाम अनुप कुमार भास्कर है। जैसे ऐसे भी सब गर्ल एंड बॉयज का एक एक नाम होता है। तो देख लेते हैं, तो इस नाम के बारे में हम आज जानेंगे, स्पेशली द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल एट्सेट्रा। तो हम थोड़े बहुत चर्चा कर लेंगे। और तुम इस नाम के बारे में तुम पहले भी थोड़े बहुत जानकारी तुम्हें मिला है प्रीवियस क्लास में, और आज हम थोड़े डिटेल्स में अब हम पढ़ने जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो Nouns, revision. This is a girl. Her name is Anisha. तो this is a girl. पहले मैं बता दिया था कि ये girl का तस्वीर है, और इसका एक नाम भी होता है, जैसे कि हमारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, तो इसका भी नाम है। इसका नाम है Anisha. And she reads books. She reads books. हाँ ये एक संस्कृत में, एक तो तुम जैसे मान लो कि संस्कृत में एक प्रवचन है कि वो छत्रणंग अध्ययन तपः, तो छात्रों का, स्टूडेंट का पढ़ना ही एकमात्र तपस्या है, तो पढ़ना चाहिए। हम किताब पढ़ते हैं, तो एक क्या है, बुक्स है। सी रीड्स बुक्स, दिस इज द बुक्स। आई लाइक वुडन चेयर, आई लाइक वुडन चेयर, तो दिस इज अ चेयर मेड बाय वुड, and so it is called wooden chair. So it is chair. It is the name of a things. It is the name of a things. Anisha. Anisha is the name of a person. And Rohan. Rohan is a smart boy. Here he is Rohan. And Rohan is a smart boy. Then Rohan is the name of a person. And boy. Boy is also indicated. एक बच्चे का नाम है, ये तो तुम देख ही पा रही हो। तो स्टूडेंट्स, हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज नाउन? देन वी से दैट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउ व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यू हैव टू रिमेम्बर इट। तुम्हें ये बात दिमाग में भर लेना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। इतना इजी डेफिनेशन है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे गर्ल, अनीशा, बुक, चेयर, रोहन, बॉय, ये सब क्या है? ये सब नाउन है। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। फाइनली वी लर्न हियर व्हाट इज नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, जैसे बुक्स, जैसे चेयर, नेम ऑफ पर्सन जैसे अनीशा, रोहन एंड बॉय, गर्ल, ये सब क्या है? पर्सन का नाम है। और चेयर और बुक्स क्या है? ये सब थिंग्स का नाम है। नेम ऑफ प्लेस, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब क्या है? प्लेस का नाम है। जैसे तुम जहाँ रहते हो वहाँ का भी एक नाम होगा, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ रामपुराटे, यहाँ का भी नाम है, ये तो ये नेम ऑफ अ प्लेस। मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, तो कलकत्ता इज अ नेमिंग वर्ड। एंड नेम ऑफ एनिमल, हाँ नेम ऑफ एनिमल, जैसे टाइगर, लायन एट्सेट्रा आर कॉल्ड एनिमल, नाउन। सो फाइनली हम किसके बारे में बात करें? नाउन। अरे एक रिविजन क्लास है कि नाउन के बारे में तुम पहले ही
बहुत जानकारी तुम्हें है और आज हमने रिविजन कर लिया। तो क्या रिविजन किया? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कौन किस किस का नाम है? नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ थिंग्स, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ एनिमल। जैसे कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया। गर्ल, अनिशा, बुक, चेयर, रोहन, बॉय। मानो मान लो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये सब नाउन है। जैसे टाइगर, लायन, ये सब भी नाउन है, एनिमल का नाम है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो आज यहाँ पर यहीं रखते हैं। थैंक यू, टाटा।